You cannot control your thoughts, but you can control to yourself through observe your thoughts. आप आपका लाइफ में मनी का माइंडसेट आप कैसे चेंज कर सकते हैं, मनी का ब्लूप्रिंट आप कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड लाइफ में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, रिच बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं तो आपको मनी का ब्लूप्रिंट आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनी को लेके क्या ऑब्जर्व करते हैं, रिच पीपल को लेके आप क्या बातें बात करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम्स लोग रिच बनना चाहते हैं, बट रिच पीपल को देख के देर टेक टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वर्ड्स। अगर लाइफ में आप रिच बनना चाहते हैं तो टॉक अबाउट द पॉजिटिव वर्ड्स टूवर्ड्स द मनी। मनी के बारे में आप पॉजिटिव वर्ड्स बातें करना है, रिच पीपल्स के बारे में आपको पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना है, जो चीज आपका लाइफ में अट्रैक्ट हो पाए एंड लाइफ में आप रिच बन पाएंगे। आई एम शेयरिंग सम पॉइंट्स, दोस इट विल बी हेल्प यू टू चेंज योर ब्लूप्रिंट अबाउट मनी एंड यू विल बी गेट रिच अबाउट इन योर लाइफ। वन थिंग्स, यू विल बी रीड द पॉजिटिव बुक्स इन योर लाइफ। रिलेटेड बुक्स आप रीड कर सकते हैं एवरी डे, समटाइम्स यू स्पेंड विद द बुक, कुछ टाइम आप बुक के साथ रीड कर स्पेंड कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंट में आप कुछ चेंजेस आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, बट यू डोंट स्टॉप दैट थिंग्स, कंसिस्टेंसी विल बी डू दैट थिंग्स। व्हाट विल बी चेंजेस विल बी सी आफ्टर सम डेज इन योर लाइफ। कंटिन्यू 15 टू एक महीना कंटिन्यू करें आपका लाइफ में, आप देखेंगे क्या चेंजेस आने वाला है। आपका ब्लू प्रिंट चेंज हो जाएगा, आपका थॉट्स चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव बुक रीड कर सकते हैं, आई कैन शेयर सम बुक्स नेम ऑल्सो, रिच डैड पुअर डैड, Think and Grow Rich, The Richest Man in Babylon, You Can Win, there is a lot of books you can read. Second things, spend time with the positive people. अगर आप positive, अगर आप life में grow करना चाहते हैं, rich बनना चाहते हैं, तो positive thoughts, positive vibes एक important role play करता है। अगर आप positive thoughts, vibe create करना चाहते हैं, तो positive person के साथ time spend करना शुरू करें, positive environment के साथ time spend करना शुरू करें। Definitely, it will be help you to build your mindset about in your life. जो चीज आपका लाइफ में मदद करेगा पॉजिटिव क्रिएट करने में एंड पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने में, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू। पॉइंट नंबर 3, टॉक पॉजिटिव वर्ड्स अबाउट मनी। मनी के बारे में हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बातें करें। जो चीज आपका लाइफ में पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होगा एंड मनी भी आपका लाइफ में अट्रैक्ट होगा। अगर आप कोई चीज जान पाना चाहते हैं तो उसको अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्यार करना पड़ेगा, यू विल बी लव टू दैट थिंग्स। एंड इनवर्स का लॉ आल्सो कहता है, लव में जितना अट्रैक्टनेस रहता है और चीज और कहां पे भी अफर्मेशन इतना नहीं रहता है, तो हमेशा चीजों को प्यार कर। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज बी ग्रैटिट्यूड अबाउट मनी। हमेशा मनी को लेके ग्रैटिट्यूड फील करें, थैंकफुल फील करें, ना कि आपको कहां पे अगर मनी दे रहे हैं कुछ चीजें बाय कर रहे हैं, ना कि आप उसके बारे में कंप्लेन करें। हमेशा ग्रैटिट्यूड, मनी तो एक पार्ट होता है, बट उसके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, इट विल बी मेक ए रिजल्ट अबाउट इन योर लाइफ। और चीज आपका लाइफ में रिजल्ट क्रिएट करने में आपको मदद करेगा, तो ऑलवेज बी ग्रैटिट्यूड अबाउट द मनी। पॉइंट नंबर 5, व्हेन यू स्पेंड मनी इन योर लाइफ, कोई भी चीजें बाय करने से आप करने जा रहे हैं, तो डोंट बी नेगेटिव इंफॉर्मेशन। उसके बदले में आपको कुछ चीजें मिल रहा है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड टू व्हाट यू आर गेटिंग, उसके लिए बी तो अनथैंकफुल। मनी के बजाय से वो चीज आपको मिल पा रहा है, कोई आप वी आर स्पेंडिंग मनी फॉर द कुछ चीजें बाय करते हैं, इट विल बी नीड्स, जो नीड्स रहता है, रिक्वायरमेंट्स रहता है, वांटिंग रहता है, डोंट बी कंप्लेनिंग्स, ऑलवेज बी ऑन ग्रैटिट्यूड, थैंक्स मनी, उसके बदले में आपको कुछ चीजें मिला, आसानी से वो चीज मिल पाया। तो हमेशा ओ मनी, जितना जो मनी आपका लाइफ से गया होगा, ओ मनी आपका लाइफ में फिर से अट्रैक्ट हो पाएगा एंड इट विल बिकम्स रिटर्न बैक। पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज थिंक अबाउट मनी इन पॉजिटिव मैनर। हमेशा पॉजिटिव मैनर में मनी को थिंक कर सकते हैं। मनी तो एक थिंग्स होता है, बट मनी को जिस तरह का यूटिलाइज करेंगे उसी तरह का आपका लाइफ में रिजल्ट क्रिएट प्रोड्यूस करके देगा। मनी का रोल रहता है हमेशा आपका लाइफ में ओनली थिंग्स को फॉलो करना, बट उसको किस वे में आपको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव वे में ले, लोगों को मदद करने में आपका सोचे, ना कि गलत दिशा में आपको सोचना है, ठीक है। डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू अट्रैक्ट मोर मनी अबाउट इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 7, ऑलवेज इन्वेस्ट मनी टू योर सेल्फ।
एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मनी को आप रिच बनना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट खुद पे करें। आप कोई बुक खरीद सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। गुड थिंग्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप मनी को फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेंड करें, उसमें आपका नॉलेज गेदर होगा एंड यू विल बी इम्प्लीमेंट विद द प्रॉपर मैनर। फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हैं, प्रॉपर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू मेक रिच अबाउट इन योर लाइफ। आपको रिच बनाने में और चीज आपको मदद करेगा एंड लाइफ में आप रिच बन पाएंगे। नंबर 8, बिहेव लाइक ए रिच एंड फील लाइक ए मिलियनरी। हमेशा जब भी मनी के साथ बिहेव कर रहे हैं, हम आप हमेशा रिच जैसा बिहेव करें, हमेशा फील करें। फील कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, दैट इज योर चॉइस, योर इंडिपेंडेंस इन दिस यूनिवर्स। राइट वे में आप सोच रहे हैं तो फील लाइक ए रिच, हमेशा रिच फील कर, हमेशा रिच मनी को लेके रिच बिहेव करें एंड फील लाइक। पॉइंट नंबर 9, बर्निंग डिजायर टू योरसेल्फ। आपके खुद के ऊपर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। जब तक आपके खुद के ऊपर बर्निंग डिजायर नहीं होगा, नोबडी कैन हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। दुनिया का कोई ताकत आपको और चीजें बिल्ड नहीं कर पाएगा जो चीज आप लाइफ में पाना चाहते हैं। डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ। एंड पॉइंट नंबर 10, ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग। हमेशा इफ यू डोंट थिंक, ग्रेटिट्यूड में रहे लाइफ में। अगर आप सोच आगे बढ़ना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, नॉट ओनली फॉर द मनी, यू बी ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग। सारा चीज जो चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें, लाइफ में आपको जो चीजें मिल रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें। फॉलो द थिंग, पीपल के लिए ग्रेटिट्यूड करें, यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड करें, फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड करें एंड सारा चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें जो चीज आप लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड ग्रेटिट्यूड प्ले ए बिग रोल टू गेटिंग द सक्सेस अबाउट इन योर लाइफ एंड गेटिंग रिच अबाउट इन योर लाइफ। So thank you to everyone. Follow these simple tips about in your life and change your money mindset and change your mindset about in your life. Money को लेके जिस तरह का mindset आप build किए हैं उसको आप खुद को change कर पाएंगे। Life में आप रिच बनने में खुद को आप